सलामकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फाहद अली। कहाँ से हैं? सियालकोट से। क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता था लेकिन छोड़ दिया आइस की वजह से। ये मसला आपको कब से है? 15-16 साल से। इस मसले की वजह से रोजमर्रा के कामों में क्या दुश्वारी पेश आ रही है आपको? काफ़ी मसले आ रहे हैं, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम्स होती है और कोई काम करने लगूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। आपने इससे पहले कभी चेकअप करवाया? जी करवाया था लेकिन किसी वजह से वहाँ इलाज पॉसिबल नहीं हो सका तो फिर मैं इधर आया था। यहाँ इन्होंने मुझे लिस्ट में रखा, कॉल की और बुला लिया। आपका सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, ज़बरदस्त। क्या आपको ऑपरेशन के बाद कोई मसले मसाइल आए? जी पहले दिन इशू आया था लेकिन डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया तो माशाल्लाह क्लियर हो गया था सारा काम। ऑपरेशन के एक हफ्ते के बाद आपकी तबीयत कैसी? काफ़ी इम्प्रूव हुई है तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रवैया था और हर थोड़ी देर बाद आते थे, पूछते थे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रवैया था। अच्छा, आपको कोई फाइनेंशियल इशू हो रहे थे इस मसले की वजह से? जी काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी तो इसी वजह से स्टडी भी छूटी थी मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नज़र इतनी हो गई है कि अब आगे इतना इशू नहीं होगा। क्या फातिमा जना अलमनाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका जिन्होंने ये कॉर्नियाज डोनेट किए जिनकी वजह से आपका इलाज मुमकिन हो सका है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मेरा ऑपरेशन कामयाब हुआ और उनकी वजह से मैं आज इतना देख पा रहा हूँ।